नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के गोपालगंज स्थित सैनिक स्कूल में निकली भर्ती। बिहार में जमीन मामलों का जल्द होगा निपटारा। जीएसटी के कलेक्शन में उत्तर प्रदेश से ऐसे आगे निकला बिहार। मनोज वाजपेयी ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए की मार्मिक अपील। YouTube के यूजर्स के लिए आया नया फीचर। IPL 2024 में आज MI और KKR के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के गोपालगंज स्थित सैनिक स्कूल में निकली भर्ती। बिहार के गोपालगंज स्थित सैनिक स्कूल में कई पदों पर भर्ती आई है। ये भर्ती PGT, काउंसलर, नर्सिंग सिस्टर, लैब असिस्टेंट और PEM या PTI कम मेंट्रॉन के पदों पर आई है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.ssgopalganj.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज PO हाथवा गोपालगंज पिन कोड 841436 पते पर भेजना होगा। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में जमीन मामलों का अब जल्द होगा निपटारा। बिहार में जमीन मामलों का अब जल्द निपटारा किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि स्थिति है कि DCLR के स्तर पर भूमि विवाद अधिनियम के अंतर्गत संचालित न्यायालयों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। समय पर विवादों के निपटारा नहीं होने से परेशानी आ रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि पर्यवेक्षण और अनुश्रवण में कमी है। DCLR को साफ शब्दों में कहा गया है कि वे सप्ताह में 4 दिन अपने न्यायालय में बैठेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। भूमि विवाद को तय सीमा के अंदर निपटाने का निर्देश है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनीष झा के बारे में। मनीष झा एक भारतीय फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। इनका जन्म 3 मई वर्ष 1978 में बिहार के पश्चिम चंपारण के धमौरा में हुआ था। इन्हें इनकी प्रसिद्धि मातृभूमि फिल्म के कारण मिली। मातृभूमि में इन्होंने फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्होंने अनवर, मुंबई कटिंग, द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा जैसे फिल्मों में भी निर्देशक का काम किया है। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें वर्ष 2002 में कौन से फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी मातृभूमि के लिए जूरी पुरस्कार, वेनिस फिल्म महोत्सव 2003 में समानांतर खंड में फिप रिस्की पुरस्कार आदि शामिल है। बिहार में CET BEd में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन। बिहार में CET और BEd में नामांकन के लिए आज से अप्लाई किया जा सकता है। 3 मई से लेकर 26 मई तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 27 मई से लेकर 2 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। 1 से 4 जून तक आवेदन में त्रुटि को स्वीकार किया जाएगा। 17 जून को प्रवेश पत्र जारी होगा। वहीं 25 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित रीशेड्यूल CET BEd के स्टेट नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट को जारी किया है। साथ ही कुलपति ने आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। बिहार के अलग अलग जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव। बिहार के अलग अलग जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बेतिया में DM दिनेश कुमार राय के आदेश पर निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश दिया गया है। जिले के निजी स्कूलों का संचालन 15 मई तक के लिए सुबह के 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक किया जाएगा। इधर भोजपुर जिले में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने 10 मई तक सभी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया है। इसके अनुसार सभी स्कूलों को भोजपुर में सुबह के 11:30 बजे तक संचालन होगा। वहीं सीतामढ़ी में भी चिलचिलाती धूप के बीच स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 10:30 बजे तक ही यहां स्कूल का संचालन होगा। GST के कलेक्शन में उत्तर प्रदेश से ऐसे आगे निकला बिहार। GST कलेक्शन के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश से आगे निकल गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से संबंध में एक आंकड़ा जारी किया गया है। बिहार में GST कलेक्शन के तहत रेवेन्यू में 23% तक का इजाफा हुआ है। यहां राजस्व वसूली का डेटा अप्रैल 2023 में 1992 करोड़ रहा। पिछले साल अप्रैल के महीने में ये राशि 1625 करोड़ रुपये रही थी। जानकारी के अनुसार ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से 4% अधिक है। हालांकि कुल राशि में उत्तर प्रदेश बिहार से अधिक है। यहां आंकड़ा 12,290 करोड़ का है। इधर पश्चिम बंगाल में इस अवधि में 7,291 करोड़ की वसूली की गई है।
YouTube के यूजर्स के लिए आया नया फीचर। YouTube के यूजर्स के लिए नया फीचर आ गया है। मालूम हो कि करोड़ों लोग YouTube का उपयोग करते हैं, ऐसे में उनके लिए अच्छी खबर है। अब लंबे समय तक YouTube का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को खास सुविधा दी जा रही है। YouTube के इस नए फीचर का नाम रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक है। इस फीचर के माध्यम से यूजर्स को लाइफ और टेक के बीच बैलेंस बनाने का एक मौका मिलेगा। इसकी मदद से यूजर को स्क्रीन पर से हटने यानी ब्रेक लेने का एक रिमाइंडर मिलेगा। इसमें अपनी सुविधा के अनुसार समय सेट किया जा सकेगा। इस फीचर में 5 घंटे से लेकर 23 घंटे तक का समय सेट किया जा सकेगा। स्कूलों में बेंच डेस्क की खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को दिया नया अधिकार। स्कूलों में जल्द से जल्द बेंच डेस्क की खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को नया अधिकार दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रधानाध्यापक चिन्हित एजेंसी से बेंच डेस्क और टेबल की खरीदारी कर सकते हैं। इसी को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है। साथ ही उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश है। इसका मकसद है कि तेजी से बेंच और डेस्क की खरीदारी हो सके। शिक्षा विभाग ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि कोई भी बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़े। पुराने नियमों में संशोधन कर नया नियम जारी किया गया है। पटना जू घूमने के लिए ऑनलाइन ऐसे करें टिकट बुक। पटना जू घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 7 दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट कटा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट https://m.zoopatna.com पर विजिट करना होगा। इसमें फोन नंबर डालने के बाद OTP आएगा। इसके बाद अपने बुकिंग डेट को सिलेक्ट कर पेमेंट करना होगा। एडवांस ऑनलाइन टिकट के लिए 7 दिन पहले से टिकट बुक करने की सुविधा दी गई है। वहीं मछली घर के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की सुविधा नहीं है। एडवांस टिकट की बुकिंग सिर्फ जू के लिए ही है। दर्शकों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए ऑनलाइन पास को इसमें शामिल नहीं किया गया। मनोज वाजपेयी ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए की मार्मिक अपील। बिहार के मनोज वाजपेयी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हुई खास मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। इस मुहिम का नाम अगर बचपन से पूछा खाना खाया तो देश का कल बनाया है। बच्चों के स्वास्थ्य और उनके पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से इस मुहिम की शुरुआत हुई है। इस मुहिम से जुड़ने के बाद मनोज वाजपेयी ने गुणवत्तापूर्ण भोजन की अहमियत की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी इंसान को अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भरे पेट और पौष्टिक खाने से ही आती है। बॉलीवुड एक्टर ने बताया कि भूख से जूझने वाले इंसान के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे श्रृंगी आश्रम के बारे में। यह स्थान बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यहीं पर यज्ञ की थी। फिर दशरथ के चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के जन्म के बाद यहाँ पर इन चारों का मुंडन संस्कार किया गया था। यहाँ पर आकर्षण केंद्र के रूप में श्रृंगी ऋषि की पहाड़ियाँ, झरने और तालाब भी देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। यहाँ से नज़ारे एकदम ही प्रिय लगते हैं। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन खरीदने के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। नए मोबाइल फ़ोन को खरीदने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसा करके आप नुकसान से बच सकते हैं। फ़ोन की खरीदारी करने से पहले अपनी ज़रूरतों को समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसके बाद उस अनुसार ही मोबाइल फ़ोन का चयन करना चाहिए। फ़ोन खरीदने से पहले बैटरी के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सबसे अधिक इसी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमत के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप नुकसान से बच सकते हैं। कंपनी का मोबाइल फोन लेने से पहले उसके सर्विस सेंटर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लें। और EMI पर मोबाइल फोन लेने के दौरान उतनी की ही EMI लेनी चाहिए जिससे भरने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका पसंदीदा मोबाइल फोन कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के 28,000 से अधिक स्कूलों में नाइट गार्ड की होगी बहाली। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार बिहार के 28,000 से अधिक स्कूलों में नाइट गार्ड की बहाली होने जा रही है। इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। नाइट गार्ड के पदों पर बहाली निकली है। शिक्षा विभाग ने बहाली का फैसला लिया है। स्थानीय युवाओं को इसके तहत 5,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। आपको बता दें कि 6,000 स्कूलों में पहले से ही रात्रि पहरी की व्यवस्था है। स्कूल के कंप्यूटर बेंच डेस्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। वहीं राज्य के 28,201 स्कूल ऐसे हैं जहाँ रात्रि पहरी की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में तपीस गर्मी से राहत की संभावना। प्रदेश में जारी गर्मी के कहर के बीच एक बड़ी ही राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि आज कल में प्रदेश में कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन 5 मई से लेकर 8 मई तक प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है।
हालांकि आज सुपौल और अररिया में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना से नई दिल्ली और सहरसा से भी स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहरसा और पटना से नई दिल्ली एवं धनबाद के रास्ते हावड़ा इंदौर स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। सहरसा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल 4 मई को सहरसा से 7 बजे प्रस्थान करके खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर के रास्ते अगले दिन 7 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी। हावड़ा इंदौर सुपर फास्ट स्पेशल का सासाराम के रास्ते 5 मई से परिचालन होगा। पटना नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल दिनांक आज से चलेगी। यात्रियों का सफर इस ट्रेन के माध्यम से आसान हो जाएगा। गया पुलिस ने महाराष्ट्र से लूट कांड के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। गया पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को महाराष्ट्र के नागपुर जिले से गिरफ्तार किया है। ये गया जिले के चाकंद इलाके में हुए ट्रक लूटकांड में लंबे दिनों से फरार चल रहे थे। इस कांड में शामिल अन्य 4 अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया गया था, साथ ही लूट के सामान को भी बरामद किया गया था। गया के SP आशीष भारती ने इस संबंध में SP ने बताया है कि गिरफ्तारी के भय से आरोपी महाराष्ट्र में छिपा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और इसे बिहार लेकर आई है। अपराधी के ऊपर पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। चिराग पासवान और राजीव प्रताप रूडी ने किया नामांकन दाखिल। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रामकृपाल यादव, चिराग पासवान की मां रीना पासवान आदि लोग मौजूद रहे। इधर सारण से NDA उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का काफिला दिखा। उनकी पत्नी और दोनों बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजस्वी यादव ने की ये मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के ऊपर उठ रहे विवाद को लेकर कहा है कि इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात उठ रही है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे महंगाई पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, गरीबी और बेरोजगारी पर भी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया था। CM नीतीश कुमार ने बेगूसराय में दिया बयान। BJP में नहीं है परिवारवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में NDA के प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में लोगों से वोट अपील की है। बछवाड़ा के रेलवे लोहिया मैदान में आयोजित जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। इस दौरान CM ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि आज पूरे देश में मोदी की लहर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कांग्रेसियों में परिवारवाद है। ये लोग अपने परिवार को ही बनाते हैं। NDA के लिए पूरा बिहार ही परिवार है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वो थोड़ा घबरा गए थे इसलिए इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं। प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील। बोले, अपनी समस्याओं को समझिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम रास्ते पे चलते हैं, उस बीच जो मिल गया वो कहते हैं कि भैया नाली गली बनवा दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कुछ लोग तो कहते हैं कि उनके पास खाने को नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी आम्बेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया है। नेताओं को वोट देकर राजा बनाए आप, और आज वो हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आप आपके बच्चे भिखारी बनकर सड़क पर घूम रहे हैं। बिहार के लोग, अपनी समस्याओं को समझिए, इसके बाद ही इसमें सुधार हो पाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 3 मई वर्ष 1969 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। वर्ष 1913 में आज के दिन पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में आज के दिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 2008 में जमशेदपुर स्थित भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ था। आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैश्विक पहुँच जागरूकता दिवस और ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं। IPL 2024 में आज MI और KKR के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। IPL 2024 में आज MI और KKR के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा। ये इस सीजन का 91वां मुकाबला होगा। इस क्रिकेट के चाहने वालों को इस मैच में रोमांच देखने को मिल सकता है। मुंबई इंडियंस के बारे में बता दें कि टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं, इसमें से सिर्फ 3 मैच में इस टीम को जीत मिली है, जबकि 7 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
पॉइंट्स टेबल पर यह टीम 9वें स्थान पर है। दूसरी ओर कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है। इस टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की है जबकि 3 मैचों में हार का सामना किया है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में जीत हासिल कर पाती है या हार का सामना करती है। आपके अनुसार केकेआर के बेहतर प्रदर्शन का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 1.5 टन का एसी 1 घंटे में इतना यूनिट बिजली करता है खर्च। बढ़ते गर्मी से बचने के लिए एसी कई लोगों का सहारा बन चुका है, लेकिन एसी का उपयोग करने के दौरान कई लोगों के मन में इस बात की आशंका बनी रहती है कि इसका प्रयोग करने से कितनी बिजली की खपत होगी। ऐसे में आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 टन का स्प्लिट एसी प्रति घंटे 840 वाट बिजली की खपत करता है। ऐसे में एक दिन में एसी का अगर औसतन 8 घंटे का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिदिन लगभग 6.4 यूनिट बिजली का खपत होता है। वहीं 3 स्टार अगर एसी 1 दिन में 8 घंटे चलाते हैं तो ये 9 यूनिट बिजली का खपत करता है। शेयर बाजार में दिखी बढ़त। बीते दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बीएससी सेंसेक्स में 128 अंक की बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में जीएसटी संग्रह के रिकॉर्ड स्तर, विनिर्माण के आंकड़े सकारात्मक रहने और विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से निवेशकों की धारणा मजबूत होते हुए दिखाई दी है। सेंसेक्स 0.17% की बढ़त के साथ 74,611.11 अंक पर बंद हुआ है। वहीं कारोबार के दौरान एक समय पर ही 128.33 अंक तक ऊपर चढ़ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 0.19% की बढ़त देखने को मिली। ये 22,648.20 पर पहुंच गया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे ईवीएम को लेकर दावा किए जा रहे इस वीडियो के बारे में। सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में ईवीएम में हो रहे हेरफेर को लेकर दावा किया जा रहा है। साथ ही गुजरात के सीईओ को दिखाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में जिस मशीन को ईवीएम मशीन बताया जा रहा है वो ईवीएम मशीन है ही नहीं, ना ही वीडियो में दिखाया जा रहा व्यक्ति गुजरात का सीईओ है। ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, इसे पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जहां इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? ऑप्शन ए है 2032, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2045, ऑप्शन डी है 2048। इसका सही उत्तर है 2030। हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है रजत, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है स्वर्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वर्ण। हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है बज्जू, ऑप्शन डी अवंती। इसका सही उत्तर अंग। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहां व्यापारिक कोठी खोला था? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है बेतिया, ऑप्शन सी है फतुहा, ऑप्शन डी है पटना सिटी नेपाली कोठी। इसका सही उत्तर है पटना सिटी नेपाली कोठी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है बंटी शर्मा, नंद कुमार सिंह, राजीव कुमार, गुनर शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, शशिपाल कुमार, वेद प्रकाश सिंह, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल को, आज का सवाल है, आपके इलाके में बिजली की कटौती का क्या हाल है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।